नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं, गूगल क्रोम बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना ज़्यादा फेमस है दोस्तों। इसमें जो पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन आता है, वो तब जब आप अपनी जीमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन हो, अपना अकाउंट बनाए हो दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है। आइए मैं इसकी ही कुछ आपको खासियत बताता हूँ जो कि आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आपको यहाँ चलना है, यहाँ चलने के बाद आप ऑप्शन देख पा रहे हैं पासवर्ड्स एंड ऑटोफिल्स का। तो ये जो पासवर्ड मैनेजर है गूगल का, जो है हम यहाँ पर चलते हैं और आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको जो पासवर्ड्स दिख रहे हैं, ये पासवर्ड्स हैं जो कि सेव किए हुए हैं किस पर। जैसे अमेजन के 2 अकाउंट हैं हमारे पास, यहाँ CBSE नेट के 2 हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों ये। तो हम यहाँ चेकअप पर आते हैं और चेकअप पर आने के बाद ये देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने यहाँ पर ऑटो चेकअप लगा दिया है। 114 पासवर्ड्स मेरी आईडी पर सेव हैं जिसकी जानकारी ये निकाल कर ला रहा है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये आपको बता देता है। कोई भी कॉम्प्रोमाइज पासवर्ड यहाँ पर लिखा है, इफ़ योर पासवर्ड्स आर कॉम्प्रोमाइज वी विल लेट यू नो। 6 ऐसे पासवर्ड हैं दोस्तों जो रीयूज्ड पासवर्ड हैं, मतलब कि तकरीबन सिमिलर होंगे, उनके लिए कह रहा है कि आप यूनिक बना लीजिए इनको। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे, क्लिक करेंगे तो ये कुछ पासवर्ड हैं दोस्तों जिनको इसने कहा है कि ये सेम टू सेम पासवर्ड हैं और इनको बदल दीजिए, कुछ इनको चेंज कर दीजिए, ये यहाँ पर इसका कहना है। ये 59 जो है ये वीक हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो ये दोस्तों जो भी आ रहे हैं ये यहाँ पर आपको डिटेल दिख रही है, इनको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ से आसानी के साथ और नया पासवर्ड बना सकते हैं। इस तरीके से ये आपको जितने भी पासवर्ड आपने यहाँ सेव किए हैं, जिसमें देखिए लिखा है 51 साइट्स और ऐप हैं जिन पर ये सभी पासवर्ड लगे हुए हैं दोस्तों। आइए यहाँ सेटिंग्स पर, और यहाँ आपको बहुत अच्छी चीज़ देखने के लिए मिलेगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही आता है। ये 2 ऑप्शन आप देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक है इम्पोर्ट पासवर्ड का। दोस्तों जब आप गूगल क्रोम से मान लीजिए कहीं पर लॉग इन करते हैं, कहीं किसी और का सिस्टम चलाते हैं कुछ महीनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, अब आप वहाँ से लॉगआउट करके आने वाले हैं, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं कि सारे पासवर्ड्स को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, एक्सपोर्ट पासवर्ड, यू आर डन यूजिंग द डाउनलोडेड फाइल, डिलीटेड सो दैट अदर्स हु यूज दिस डिवाइस कैंट सी योर पासवर्ड। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों तो एक CSV फाइल जो है आती है, उसको आप यहाँ से इम्पोर्ट कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सिस्टम में जहाँ भी वो आपने डाउनलोड की होगी उसको आप क्लिक करके ओपन कर देंगे दोस्तों, तो आपकी पर्टिकुलर जीमेल आईडी पर सारे के सारे पासवर्ड ऑटोमेटिकली फिल होकर यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद जब आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पर ऑटो फिल हो जाएंगे। तो आप जब भी नए सिस्टम पर आएंगे तो आपको ये 2 फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। जब आप पुराने सिस्टम को छोड़ें तो यहाँ से पासवर्ड को एक्सपोर्ट कर लें, उस फाइल को लेकर चलें और यहाँ आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑप्शंस थे आपको जानना बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि पासवर्ड्स एक टाइम में 2 या 5 होते थे, लेकिन अब हम जितना डेटा एप्लीकेशंस वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एवरेजन प्रति व्यक्ति कम से कम 10-20-30 पासवर्ड होते हैं दोस्तों। आप जितनी एप्लीकेशन चलाते हैं, जितनी वेबसाइट चलाते हैं, उन पासवर्ड्स को याद रख पाना बहुत मुश्किल है, उसको नोट डाउन करना मुश्किल है। ऐसे में अगर आप जीमेल पर ट्रस्ट करते हैं, गूगल क्रोम चलाते हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों की आदत ज़रूर होगी, तो आप यहां से आकर अपनी सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये गूगल पासवर्ड मैनेजर का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।